नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार चंद्रनगर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 सरलाही नेपाल से अल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारे पास रोआ कंपनी के CRT टीवी आया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं ये कट हुआ पावर यहां पर लगा दिया, और लगाने के बाद आप यहाँ पर फोकस करें दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों ये ग्रीन कलर और रिस्टेस लाइन आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है। तो आइए इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए आइए जानते हैं दोस्तों। तो मोबाइल के स्टैंड में सेट कर लेते हैं और तब तक हम टीवी को खोल लेते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने इसे खोल दिए और देख पा रहे होंगे ये पूरा डस्ट से भरा हुआ है दोस्तों, पूरा ये डस्ट से भरा हुआ है। तो आइए इसको क्लीन करते हैं दोस्तों, क्लीन कर उसके बाद हम जूम कर आपको दिखाते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने बोर्ड को क्लीन कर दिए और क्लीन करने के बाद आइए इसको पावर देते हैं और देने के बाद चेक करते हैं दोस्तों। बस ये देख पा रहे होंगे आप, पावर कट हो गया, यहाँ पे लगा दिए, ठीक है दोस्तों। और आप इस मीटर पर फोकस करें दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा बेस बोर्ड पर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, उस पर हम चेक करेंगे कि क्या कितना वोल्ट बन रहा है सो दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारा टीवी ऑन हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं दोस्तों, कहाँ से ठीक होगा और कैसे ठीक होगा दोस्तों। आइए सबसे पहले आप इसको एक ग्राउंड से लगा दें, मीटर को, मीटर प्रोब के एक ग्राउंड से लगा दें और दूसरे वोल्ट पर आप इसको सेट करके रखें दोस्तों। यहाँ पर तो 20 वोल्ट पर भी आप सेट करके रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चेक करें वोल्ट, अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक वोल्ट बन रहा है दोस्तों, ये 2 वोल्ट बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। ऐसे तो यहाँ पर सभी वोल्ट ठीक बन रहा है दोस्तों, क्योंकि 3 वाले पर जो 3 हैं उस पे 1-1 2-2 वोल्ट बन रहा है, 1 पे 8 वोल्ट बन रहा है दोस्तों, ठीक है ना। आइए बेस बोर्ड पर अब चेक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कितना कितना वोल्ट बन रहा है सो दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखें दोस्तों कितना 8 वोल्ट बन रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, 1 वोल्ट बन रहा है ये, अब देख पा रहे होंगे लगभग 1 वोल्ट ये बन रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर फोकस करें और हाई वोल्ट बन रहा है दोस्तों, और यहाँ पर भी फोकस करें दोस्तों, यहाँ पर भी 1 वोल्ट बन रहा है ये दोस्तों, हमारा इनपुट वोल्ट हो गया, ठीक है। आइए अब जो रेड ग्रीन ब्लू जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, रेड ग्रीन ब्लू ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आइए इसका वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इनपुट वोल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बन रहा है सो, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब आउटपुट में चेक करते हैं कितना बन रहा है सो दोस्तों। तो आउटपुट के लिए आप 200 पे सेट कर दे दोस्तों, ठीक है, 1000 पर कर दे बेस्ट रहेगा। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने 1000 पर सेट कर दिए हैं, ठीक है। और आइए इस पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 202 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, इस पे आपका देख रहे हैं दोस्तों कितना 55 वोल्ट बन रहा है दोस्तों,
और उस पर 193 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर फोकस करें दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का हो गया दोस्तों, और यहाँ पर ओनली 55 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। तो आइए इसको रिमूव करते हैं और दूसरा लगा कर देखते हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल कन्फर्म है दोस्तों कि इसको सही करने के बाद, इसको रिमूव करने के बाद हमारा सेट बिल्कुल रेडी हो गया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसको रिमूव करते हैं दोस्तों, रिमूव कर कर दूसरा लगा कर देखते हैं दोस्तों। दरअसल क्या है दोस्तों, हमारे पास सभी डिसोल्डर ख़त्म हो गया, जो डिसोल्डर वायर होता है ना दोस्तों ये ख़त्म हो गया, जिसके वजह से हम ये ब्रश से रिमूव कर रहे हैं दोस्तों। आइए हमने इसका सोल्डर रिमूव कर दिए हैं, अब इसमें रिमूव कर कर और देख कर दूसरा लगाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 2482 है दोस्तों, C2482, ठीक है दोस्तों। तो आइए ये लगाते हैं दोस्तों, इसमें अब देख पा रहेंगे दोस्तों ये 2482 अभी हमने निकाले हैं सेट में से ये निकाले हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अभी हमने दूसरा 2482 लिए हैं, ठीक है। तो आइए इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, और इंस्टॉल कर कर चालू करते हैं। आइए अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका सोल्डरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और सोल्डरिंग करने के बाद इसको चेक करते हैं दोस्तों, क्या हमारा ये रिजल्ट प्राप्त होता है कि नहीं। रिजल्ट में हमको क्या देखने के लिए मिलता है दोस्तों, आइए इसको अब चेक करते हैं दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने पावर इसमें इन कर दिए, और आप मीटर पर फोकस करें दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 5 वोल्ट बनने लगा है दोस्तों, बिल्कुल हमारा सेट रेडी हो गया है दोस्तों। आइए हम आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पहले तो इसमें ग्रीन था, अब रेड हो गया है दोस्तों। तो आइए उसको भी चेक करते हैं इसका और क्या क्या है सो दोस्तों। आइए दोस्तों, अब ये हमारा अब तो फाइनल हो गया है, अब इसको लगाकर चेक करते हैं दोस्तों, ऑडियो वीडियो कॉल लगाकर चेक करते हैं क्या बिल्कुल रेडी हो गया है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। आइए दोस्तों इसका कट लगाते हैं। तुम लोग भाई का देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा सेट बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं रेड भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और इस काम को सीखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।